कि नीट 2024 भी 23 की तरह होगा तो भूल जाओ। और बहुत ऐसे बच्चे सेलेक्ट होंगे जिनके नंबर 23 में 200-300 थे, और बहुत ऐसे नहीं भी सेलेक्ट होंगे जिनके 500 थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो अब जो बायो की एनसीईआरटी है नई वाली, उसमें एनटीए के सिलेबस से 90% चीज तो है लेकिन 10% नहीं है। पुरानी एनसीईआरटी में भी 10% नहीं है। तो अगर आपको लगेगा वही पिछले साल की तरह पूरा पेपर एनसीईआरटी से, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि चीजें कुछ एडिशनल ऐड हो गई है। ये आपके डिलीटेड चैप्टर ट्रांसपोर्ट, मिनरल, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्ट्रेटजी, फूड प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल इशू, इनसे करीब 12-13 सवाल आते थे। अब ये 13 सवाल एडिशनल टॉपिक्स आएंगे। आगे आ जाइए। अब पार्शियली डिलीटेड लिविंग वर्ल्ड में टेक्सोनॉमिकल ऐड नहीं है, प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पुरानी एनसीईआरटी तो अर्थवर्म नहीं है, बायोमॉलिक्यूल में नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग डायनेमिक्स कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म लिविंग स्टेट नहीं है, पीजीआर में फोटोपीरियडिज्म वर्नलाइजेशन सीट डायमेंसी नहीं है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन में रिफ्लेक्स एक्शन सेंसरी रिसेप्टर ईयर आई नहीं है, इवोल्यूशन में ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन नहीं है, इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सक्सेशन न्यूट्रिएंट साइकिल इकोसिस्टम सर्विसेज नहीं है। अब सुनो, अब अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो लिविंग वर्ल्ड में व्हाट इज लिविंग ऐड करना पड़ेगा पुरानी एनसीईआरटी से। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट उन्होंने केवल मॉडिफिकेशन देके छोड़ दिया है, लेकिन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम लीफ तीनों देखना है, नई एनसीईआरटी में नहीं पुरानी से देखना होगा। अब ये दोनों में कहीं नहीं है, मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेगुमिनेसी, ग्रैमिनी, कंपोजिटी, ये कहीं नहीं है। तो 15 सवाल जो उधर से आते हैं तो इधर शिफ्ट होंगे। आगे चलो भैया। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में काकरोच नहीं है, केवल फ्रॉग दिया है, लेकिन काकरोच भी है, फ्रॉग भी है, टिश्यूज भी है। तो आपको काकरोच, अगर नई एनसीईआरटी है तो काकरोच और टिश्यू आपको पुरानी एनसीईआरटी से देखना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन में बहुत कम दिया, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन उसको थोड़ा ज्यादा देखना होगा। इवोल्यूशन में मॉडर्न सेंट्रिक थ्योरी कहीं नहीं है। अब सुनो, दो मिनट बता देते उसी सही हो जाएगा। मॉडर्न सेंट्रिक थ्योरी कुछ नहीं है, डार्विन की थ्योरी है। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन बताया था, वेरिएशन बताया था। डार्विन से पूछा गया वेरिएशन का रीजन क्या है तो नहीं बता पाया था, क्योंकि मेंडल बाद में पैदा हुए थे। तो अगर जेनेटिक्स जिसमें दिया है ना जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, हार्डी विनबर्ग, वही सब ऐड कर दो तो सेंट्रिक थ्योरी, मतलब डार्विन प्लस जेनेटिक्स। अब आ जाइए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, डेंगू, चिकनगुनिया, टोबैको अब्यूज किसी में नहीं, टोबैको अब्यूज के विषय में थोड़ा सा दिया है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म डेटा बुक से मिलेगा। इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, इनका नंबर दिया है लेकिन इनके बारे में भी जानना है। दो फैमिली और डालना है, डेंगू चिकनगुनिया रेड डेटा बुक डाल दिया है। अब सेंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन देखिए इतना मैं डाल दिया है। ग्रैमिनी, मालवेसी, सोलेनेसी, सोलेनेसी नहीं गलती से पड़ गया, क्रूसीफेरी, चिकनगुनिया, डेंगू फीवर, रेड डेटा बुक इतना डाल दिया है। ठीक है बच्चों, ये सब कोशिश कैसी लग रही बताइए जरा। हाँ, क्योंकि भैया हमें तो 1200 सिलेक्शन कराने हैं और आप ही सब बच्चे करोगे, है ना? वो लाइन है ना, आपके दम पे जमाने का भरम है, कायम आप हैं तो जमाने की जरूरत क्या है।